और चलिए अब आपको लिए चलते हैं बुंदेलखंड के महोबा में, जहां पर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, उपस्थित सभी बुंदेलखंड के नागरिक बंधुओं, मैं वीर और वीरांगनाओं की इस धरती महोबा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड अपनी वीरता के लिए, अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन यहां के संसाधनों का उपयोग बुंदेलखंड के विकास में हो, बुंदेलखंड की सूखे की समस्या का समाधान हो, यहां की बहन बेटियों की जो एक जन्मजात समस्या बन चुकी थी कि लोगों को पेयजल की सुविधा प्राप्त हो, आजादी के बाद भी यह एक सपना ही मात्र बना रह गया था। इस सपने को हकीकत में बदलने की बात भी कभी किसी के दिमाग में नहीं आई। हम सबका सौभाग्य है 2014 में इस देश को एक करिश्माई नेतृत्व प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने देश के अंदर समान विकास की एक अवधारणा को गांव में गरीब के पास, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक विकास की उन योजनाओं को पहुंचाने और दशकों शतकों से लंबित उन समस्याओं के समाधान करने के लिए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कभी सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र में आज विकास तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वह सिंचाई की एक दर्जन से अधिक परियोजनाओं का विगत 7 वर्षों में पूरा होने का हो रहा हो, चाहे वह बुंदेलखंड के हर घर नल की योजना के माध्यम से पेयजल की समस्या के समाधान की दिशा में उठाएगा बड़ा कदम हो,